नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स बाई जेड सब। तो दोस्तों, आज मैं लेके आऊं आप सभी ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली RTO ने आप सभी ड्राइवर भाइयों को, मालिकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। हां जी दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ग्रामीण सेवा चलाते हैं, फटफट सेवा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, या फिर आप मिनी बस ट्रक कुछ भी चलाते हैं, जी हाँ दोस्तों, और आपकी गाड़ी दिल्ली नंबर से रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों आपके लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली परिवहन विभाग ने काफ़ी बड़ी राहत दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको चाहे लाइसेंस का काम हो या फिर RC का काम हो, परमिट का काम हो, आपका बैच का काम हो, कंडक्टर लाइसेंस का काम हो, RC का काम हो, परमिट का काम हो, फिटनेस का काम हो, किसी भी प्रकार का अगर गाड़ी से संबंधित आपको काम है दोस्तों, 58 ऐसे काम हैं जो ड्राइवरों को और मालिकों को अक्सर पड़ते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सभी कामों को दिल्ली परिवहन विभाग ने अब आपके घर बैठे करने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। जी हाँ दोस्तों, यह सूचना दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग ने परसों दी थी और आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, सभी जगह ये जो चीज़ें हैं छाप दी गई हैं। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर, TV, अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी जानकारियां दे दी हैं। वो क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, कोई भी अपडेट हो, हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है मैं आपको नवभारत टाइम्स के माध्यम से देने जा रहा हूँ दोस्तों, RTO न्यूज़, DL RC बस परमिट से जुड़ी काम लायक खबर। अब RTO का चक्कर नहीं लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब RTO को नहीं, आपको RTO नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे यानी कि केंद्रीय परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक के ट्रांसफर जैसी RTO से जुड़ी 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इन कामों के लिए अब RTO जाने की जरूरत नहीं होगी, आप घर बैठे ही ये काम कर सकेंगे। आधार नंबर के सत्यापन की मदद से इन सेवाओं का फायदा उठाया जा सकता है। आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन स्वैच्छिक होगा, मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस सुविधा से लोगों को काफ़ी समय बचेगा और RTO में जाने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। इससे दफ्तरों में बढ़ रहा बोझ भी कम होगा और वहीं काम करने वालों की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ेगी। अभी अफसरों से मिलने में लोगों को काफ़ी समय की बर्बादी होती है, नई सुविधा से कम समय में काम पूरा होने की उम्मीद है। अगर किसी शख्स के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह पहचान सुनिश्चित करने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज के साथ खुद ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर संबंधित काम को करा सकता है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अन्य कोई ID प्रूफ है तो आपका काम उससे भी हो जाएगा। आधार कार्ड की वरीयता को खत्म कर दिया गया है। ऑनलाइन मिलने वाली सेवाओं में ये अहम सेवाएं हैं दोस्तों, लर्नर लाइसेंस आप ऑनलाइन सभी काम करवा सकते हैं जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं 58 ऐसी सुविधाएं बताऊंगा जो दोस्तों काफ़ी फायदेमंद है। लर्नर लाइसेंस, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लर्नर लाइसेंस में पता, नाम, फोटो बदलाव कर सकते हैं। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। DL में, हाँ जी दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते थे, ये बताइए आशु भाई, हम DL में नाम पता चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे अब आपके लिए खुशखबरी निकल के आ गई है। DL में नाम, पता, बायोमेट्रिक आदि जानकारियों में बदलाव जो है वो भी अब ऑनलाइन हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण यानी कि रिन्यू के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी नहीं होगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं तो उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मोटर वाहन के टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का आवेदन होगा। हाँ जी दोस्तों, टेम्परेरी RC आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। परमिट से जुड़ी सेवाएं, अगर आपको परमिट चाहिए जैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, हाँ जी दोस्तों, इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको लाइसेंस की जगह हम परमिट बोलते हैं, वो भी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। डुप्लीकेट लाइसेंस हो जाएगा। फिटनेस प्रमाण पत्र ऑनलाइन आपका काम हो जाएगा। खतरनाक सामग्री ले जाने वाले जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, या केमिकल है, या गैस है, इस प्रकार की जो खतरनाक गाड़ियां होती हैं उनको चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है अलग से, उसके लिए भी आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने की अनुमति, हाँ जी दोस्तों, हिल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण यानी कि कंडक्टर लाइसेंस का रिन्यू भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अस्थाई डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस आप अप्लाई करा सकते हैं। RC के लिए आवेदन, RC में पता बदलना, NOC के लिए आवेदन, सभी कुछ अब ऑनलाइन हो जाएगा। परिवहन सेवाएं के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना भी आदि शामिल है। मोबाइल नंबर भी आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 58 सेवाएं हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आपको RTO जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए मैं एक एक करके सारी जितनी भी ये सुविधाएं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर एक पे है लर्नर लाइसेंस। हाँ जी दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस का काम ऑनलाइन हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस में पता बदलने का काम हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस में नाम बदलने का काम हो जाएगा। लर्नर लाइसेंस में फोटो और साइन
बदलना भी ऑनलाइन हो जाएगा, डुप्लीकेट लर्निंग लाइसेंस भी जारी हो जाएगा, लर्निंग लाइसेंस निकलवाने के प्रावधान करना, ये सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे। और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि DL जारी, डुप्लीकेट यानी खो गया आपका, खराब हो गया, उसे आप डुप्लीकेट लाइसेंस अथॉरिटी से डायरेक्ट मंगाना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण रिन्यू ऑनलाइन हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन यानी कि उसको कहीं पर चेंज करना है कुछ तो वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO को भेजे जाने के लिए आवेदन, ये सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना है, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलना है, ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक बदलना है यानी कि अंगूठे का निशान, उंगली का निशान बदलना है, ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म डेट ऑफ बर्थ बदलनी है, ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और साइन बदलना है, ड्राइविंग लाइसेंस में ड्राइविंग लाइसेंस निकालने का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई हो जाएगा। लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण, अगर आप कोई श्रेणी को हटवाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं वो सारे काम हो जाएंगे। खतरनाक सामग्री को ले जाने वाले वाहन चलाने की अनुमति आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाने का लाइसेंस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। रक्षा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, रक्षा के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो जाएगा दोस्तों। रक्षा ड्राइविंग लाइसेंस धारक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर अतिरिक्त AEDAL चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चालक को सार्वजनिक सेवा यानी कि PSB बैच, बिल्ला बैच भी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। डुप्लीकेट सार्वजनिक सेवा यानी कि PSB बैच जारी करना वो भी ऑनलाइन आपको जारी हो जाएगा। चालक के लिए अस्थाई सार्वजनिक सेवा यानी कि PSB बैच आप अगर आप बनवाना चाहते हैं, ये सारे PSB के काम है सारे ऑनलाइन हो जाएंगे। फिर बात आती है कंडक्टर लाइसेंस की, कंडक्टर लाइसेंस नया बनवाना है या रिन्यू कराना है, उसमें अपना नाम पता एड्रेस कुछ भी चेंज कराना, बायोमेट्रिक चेंज कराना, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मोटर वाहन के अस्थाई पंजीकरण यानी कि टेम्परेरी परमिट। मोटर वाहन के लिए अगर आपको टेम्परेरी परमिट चाहिए वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। पूरी तरह से निर्मित बॉडी वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन यानी कि जैसे बॉडी आती है बाहर से बनी हुई जो कंपनी से आती है उसको आपने मॉडिफाई करा के उसको और बनाते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डुप्लीकेट पंजीकरण यानी कि डुप्लीकेट RC, अगर आपकी RC खो गई है, कुछ हो गया, ख़राब हो गई है तो आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आपकी घर पे आ जाएगी और आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि कोई आपत्ति नहीं है NOC वो भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके बाद RC के जितने भी RC से संबंधित काम है वो सारे आपके हो जाएंगे। उसके बाद जो दोस्तों है मोटर वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए यानी कि मोटर वाहन या कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सारे काम अब ऑनलाइन हो जाएंगे दोस्तों। आवेदन अतिरिक्त आजीवन कर का भुगतान यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई अगर टैक्स देना है वो भी सारा ऑनलाइन आपको हो जाएगा। किराया खरीद करा की अनुशंसा, किराया खरीद करा की समाप्ति, व्यापार प्रमाण पत्र, नवीनतम परमिट जारी करना, डुप्लीकेट परमिट जारी करना, गैर उपयोग सूचना परमिट, परमिट का स्थायी समर्पण, परमिट का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, परमिट का हस्तांतरण मृत्यु के बाद यानी कि किसी की मृत्यु हो गई है उसके बाद में अगर ट्रांसफ़र करना है वो भी सब ऑनलाइन हो जाएगा। परमिट को रिन्यू कराना है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। परमिट का प्राधिकृत का नवीनीकरण यानी कि परमिट का रिन्यूअल, विशेष परमिट के लिए आवेदन, अगर आप विशेष परमिट यानी कि स्पेशल परमिट चाहते हैं, मान लीजिए आपका एक जगह का परमिट है आप दूसरी जगह कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा। अस्थाई परमिट के लिए आवेदन यानी कि कुछ समय के लिए आपको परमिट चाहिए उसका भी आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा। परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर को अद्यतित करना, परिवहन सेवा के लिए अपना मोबाइल नंबर आप उसमें चेंज करवा सकते हैं ऑनलाइन, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनलाइन। डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना, हाँ जी दोस्तों अगर आपका फिटनेस प्रमाण पत्र खो गया, खराब हो गया, फट गया, जल गया, कुछ भी हो गया दोस्तों, चोरी हो गया, तो आप डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन आपको वहीं से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों ये टोटल मिला के 58 सेवाएँ ऐसी हैं जो ड्राइवरों को और मालिकों को अक्सर ज़रूरत पड़ती है RTO जाने की। अब वहाँ पे आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाल से मिलने की ज़रूरत नहीं है, भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप लोग ये सारे काम ऑनलाइन बड़ी आसानी से साइबर कैफे से करवा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है तो आप अपने आप भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आपने मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा था मोर्थ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इसका मतलब दोस्तों होता है केंद्रीय परिवहन विभाग का ये डिपार्टमेंट है मोर्थ यानी कि मिनिस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसने जो भी नियम कानून बनाए हैं वो पूरे राज्य में लागू होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों ये जितनी भी सेवाएं मैंने बताई हैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब है ये पूरे देश में यानी कि पूरे भारतवर्ष में लागू होंगी। दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।